चलो बच्चों, आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में समझाती हूँ आपको। एन आइडियल लीवर इज असेंशियली अ लाइट, दैट मीन्स नेग्लिजिबल मास रॉड पाइवटेड एट अ पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फल्क्रम। ये देखो, ये एक लीवर है, एक रॉड है जिसका ऐसा माना जाता है कि नेग्लिजिबल उसका मास है, और वो पाइवटेड कहाँ होती है, एक एक पॉइंट पर जिसको फल्क्रम कहते हैं। A seesaw on the children's playground is a typical example of a lever. Two forces, F1 and F2, parallel to each other and usually perpendicular to the lever, as shown here, act on the lever at distances D1 and D2 respectively from the fulcrum, as shown in this figure. Okay? देखो, F1 और F2 जो हैं, दो force हैं, ये actually weight होते हैं। अगर आप seesaw में देखा है आपने, तो कैसे एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक जो F1 है वो फल्क्रम से D1 डिस्टेंस से मानते हैं, और जो F2 है उसको मान लेते हैं कि वो फल्क्रम से D2 डिस्टेंस पे है। अब मैं बताती हूँ कि R क्या है। द लिवर इज़ अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लेट R बी द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट एट द फल्क्रम। R क्या है? इट इज़ द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट एट द फल्क्रम। और इसकी डायरेक्शन देखो आप, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, जहाँ फोर्स की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन होती है किसकी, रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट की। आर इज़ डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द फोर्सेज F1 एंड F2। अब बच्चों, अगर इस सीसॉ को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाना है, तो उसके लिए हमें एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आर है दैट शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2 होना चाहिए ना, ऊपर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जब बराबर होगा तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएगा। तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, R माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ये कंडीशन होगी तो ये जो हमारा लीवर है ये किस में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। फॉर कंसिडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अब अगर हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम का चाहिए, तब वी टेक द मोमेंट्स अबाउट द फल्क्रम। अब हमें उसके मूवमेंट्स को देखना होगा। मूवमेंट एक्चुअली पता है टॉर्क होता है, F × D। अभी बताती हूँ आपको, द सम ऑफ मूवमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। अगर आपको चाहिए ना कि सीसॉ रोटेट ना करे या ये लीवर रोटेट ना करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ का जो मूवमेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए, है ना। मूवमेंट का जो सम है दोनों तरफ के, वो इट शुड बी ज़ीरो। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, D1 F1 शुड बी इक्वल टू D2 F2, है ना। इसको रीअरेंज करोगे इक्वेशन को तो नॉर्मली द एंटी क्लॉक, देखो ये एंटी क्लॉक, ये वाला F1, इसको आप कैसे लेते हो, नॉर्मली द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज कैसे लेते हैं, नेगेटिव। नोट, आर एक्ट एट द फल्क्रम इट्सेल्फ एंड हैज़ ज़ीरो मूवमेंट अबाउट द फल्क्रम, क्योंकि आर तो बच्चों फल्क्रम पे एक्ट कर रहा है ना, तो उसका तो ज़ीरो मूवमेंट है, लेकिन आसपास वाले दोनों फोर्सेस का मूवमेंट है। इन द केस ऑफ द लिवर फोर्स F1 इज यूजुअली सम वेट टू बी लिफ्टेड। बच्चों जो F1 है ना, वो क्या है एक्चुअली, वो लोड है, लोड जिसको आपको लिफ्ट करना है ना, लीवर इसीलिए तो काम आता है। इट इज़ कॉल्ड द लोड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम D1 इज कॉल्ड द लोड आर्म। फोर्स F2 इज़ द एफर्ट, उसको F2 से आप एफर्ट लगा के आप उसको लिफ्ट करते हो, किसको, F1 को, वेट को। तो F2 को क्या बोलेंगे, एफर्ट, जो आपने अप्लाई किया ऑन द लोड। डिस्टेंस D2 इज़ कॉल्ड द एफर्ट आर्म। ठीक है, तो कौन सी आर्म बड़ी होनी चाहिए बच्चों, जब आपको पता है F1 D1 इज इक्वल टू D2 F2 है, तो देखो अगर D2 बड़ी, देखो आप D2 आर्म बड़ी है ना, ये एफर्ट आर्म बड़ी क्यों लगाई है, ताकि हमको F2 कम लगाना पड़े, है ना, और आप कम एफर्ट लगा के ही एक भारी लोड को अपलिफ्ट कर सकते हो। यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज D1 F1 इज इक्वल टू D2 F2, और लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट। द अबव इक्वेशन एक्सप्रेस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स फॉर अ लीवर। इंसिडेंटली द रेशियो F1/F2 इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज MA। मतलब F1 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और F2 जो है वो कम होना चाहिए। जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी ना, इसका मतलब वो उतना अच्छा लीवर है ना, कम एफर्ट लगा के आपने ज़्यादा लोड उठा लिया, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। F1/F2 शुड बी इक्वल टू, नहीं शुड बी नहीं, इज़ इक्वल टू D2/D1।
ओके, इसीलिए आपने डी टू भी ज़्यादा रखी है। इफ़ द एफर्ट आर्म डी टू इज़ लार्जर देन द लोड आर्म, द मैकेनिकल एडवांटेज इज़ ग्रेटर देन वन। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट अ स्मॉल फोर्स, स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट द लार्ज लोड। देर आर सेवरल एग्जाम्पल ऑफ लीवर अराउंड यू बिसाइड द सी सॉ। द बीम ऑफ अ बैलेंस इज ऑल्सो अ लीवर। और आपको और भी एग्जाम्पल्स देखने हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जो कि लीवर हैं। यू मे इजिली शो दैट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होल्ड्स इवन वेन द पैरेलल फोर्सेज एफ वन एंड एफ टू आर नॉट परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि एफ वन और एफ टू परपेंडिकुलर ही हों, बट एट सम एंगल टू द लीवर, किसी एंगल पे भी अगर फोर्सेज हैं तो भी ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है ये लगेगा। ओके,